स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जिस तरह से आपने देखा कि इतना अच्छा लगा जानकर इसी के बहराइच के चाय की शॉप डाली हुई, चाय की शॉप बिताइए भाई पहले इनकी। ये चाय की शॉप भाई ने डाली इनके कॉन्फिडेंस को। जैसे सारे बंदे आए थे अनएम्प्लॉयमेंट से, गवर्नमेंट को ताना दे रहे हैं भाई कुछ कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, और इन्होंने जरा भी कोई शर्म नहीं की इसके अंदर करने के लिए, और बहुत ही बढ़िया एक स्टार्ट किया है। तो भाई जन्मभूमि गोंडा है, घर भूमि। अच्छा, ऐसा क्या लगा कि आप जो वहाँ नहीं कर सकते गोंडा में तो बैराइच में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन अब हमारी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने विजिट किया। विजिट में हमें बढ़िया लगा और लोगों का प्यार भी मिलने लगा। बढ़िया पहले दिन से लोगों का प्यार मिला, हम लोग पहली बार आए थे बहराइच में और कहीं रहने की व्यवस्था रखने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोगों के प्यार से ऊपर वाले के आशीर्वाद। तो आप दोनों भाई हैं या आप दोनों? हम दोनों मित्र हैं, दोस्त हैं आप दोनों। तो कैसी स्ट्रेटजी बनी, मतलब कैसे आपने माइंड ना दिमाग कैसे लगाया, मतलब कैसे आपने ये सोचा कि बिना शर्म के कैसे कुछ में ख्याल आया होगा सोना भाई आप इधर आइए? आपके मन में तो एक ना एक बार ऐसी थोड़ी गलती थी, वो हिचकिचाहट हुई होगी कि भाई कैसे कैसे क्या डाल, क्या ऐसा मन में है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी? अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अब नौकरी की कोशिश किया गया। अच्छा, और रिज्यूम डाला गया तो जहाँ डाले रिज्यूम हम लोग का 3-4 हज़ार रुपये देने के लिए, 3-4 हज़ार रुपये। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ अपना करें, जैसे 4 हज़ार माइंड आपका रिफ्रेश करना हो, तो चाहे डिप्रेस में हो, तो चाहे हो, तो जो कुछ भी हो, आदमी चाय को ढूंढता है। और अभी आप मोटिवेट कर चुके हैं चाहे की गोले, कहाँ से मोटिवेट, कोई वीडियो देख लिया या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया? बिल्कुल हम आवाज ओझा सर को जरूर। अच्छा, ओझा सर को भी सुनते हैं, और MDHR प्रफुल्ल बिल्दोरे को भी देखते हैं हम लोग, और इंस्पिरेशन समझ लो तो उन्हीं से आई, और उसके बाद कई नतीजे देखे हमने पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, उसके बाद माननीय लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी हम PM है। बिल्कुल वो PM है, उन्हीं समझ लीजिए उन्हीं का संघर्ष देख के हम लोग का संघर्ष कर रहे हैं। जब वो जमीन से डाउन टू अर्थ होके और आज पूरा देश चला रहे हैं, अच्छा, तो क्या हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते छोटा सा बिजनेस करके? बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी निर्णय लिया कि कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा बिजनेस कर सके, इतना बड़ा पैसा भी नहीं था कि एक अच्छी सी शॉप डाल सके चाय की। जी, अगर हम मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट डालते हैं तो हमें 60-70 हज़ार रुपये लगाने पड़ते। सही है, हमारा बिजनेस 3,000 में शुरू हो गया। अच्छा। इसी 3,000 से हमारा रूम रेंट भी आ गया, रूम रेंट भी दे दिया, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सुबह दूध पानी का खर्चा हम लोगों का निकल आ रहा है। सौरभ भाई, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, आपके घर पर क्या रिव्यू, अपने घर पर बताया कि आपने मामा से ये करने जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप बताओ या ना बताओ पहुँच जाएगा, और घर का रिएक्शन हर परिवार सोचता है कि मेरा लड़का पढ़ लिख के कुछ अच्छी जॉब रिक्वायरमेंट करे, ISPCS कुछ बने पढ़ लिख के, लेकिन आदमी किस्मत मानो या गवर्नमेंट मानो या कुछ भी मानो, वैकेंसियाँ नहीं निकल पा रही है। परिवार वाले यही चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने कमाए, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं कहते हैं कि भैया तुम करोड़ों कमाना, बिजनेस करना कुछ अलग करना, हमें अलग नाम कमाना और करोड़ों कमाना। वो इसीलिए आपको पढ़ाते हैं कि आप एक अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचने के लिए बस वो हमारी सोच को बांध रहे हैं 30-40 हज़ार रुपये। सही, हमारी सोच को बांधने वाला अभी कोई नहीं था, मतलब थे लेकिन हम बंधे नहीं। अच्छा। हमारा करोड़ों और अरबों खरबों कमाने का सोच है। सही है, बहुत अच्छा है, बहुत सोच हमेशा ऊँची रखी। समाज के लिए जी, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है हमारे दिल में, तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा, समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर। अच्छा, तो आप यहाँ पर रूम लिए हुए हैं, मतलब रूम लिए हुए हैं या किसी का घर वर्क किया आपने? नहीं, हम लोग रूम लिए हुए हैं और सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है।
से सपोर्ट मिल रहा है? जी बिल्कुल, जितने यूट्यूबर हैं वो लोग भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब हमारे साथ है, और यहाँ के कुछ सभासद प्रत्याशी भी हैं। जैसे हम लोग पहले दिन आए थे तो फ्लैग छपवाने के लिए गए थे, तो एक यहाँ सभासद प्रत्याशी अभय भी यहाँ है, प्रताप सिंह प्रिंस, तो हम उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों की। जो गैस लाए थे हम लोग सिलेंडर, वो सिलेंडर पूरा लीकेज कर गया था यहाँ पे, तो 1200 रुपये बचे थे जेब में। तो हम लोगों ने अभय भैया कहे, बहुत देर तक बिजली बात किए, तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर आग है, कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि कोई ज़रूरत होगी तो फोन कर। हम लोग उनको फोन के भैया सिलेंडर हाउस कर रहे हैं, वो कहे एक काम करिए, आपके पास 1200 ले रहा हूँ, हमारे पास सिलेंडर दिलवा दो। बहुत अच्छा जान के लगा, हमें भी बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ तुमको, जैसे ही देखा हमने कहा, मतलब एक बार हमने ये चीज़ सोची थी, हमने नवेद ने, क्यों नवेद, हाँ भाई हमने नवेद ने सोची, लेकिन तब जैसे ही नवेद ने सुना कि यहाँ, तो हमने कहा चलो चलते हैं, काम भी है और कुछ आप लोग का काम हो जाएगी। अभी हम लोग का लास्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है एमकॉम से, लेकिन अब चाय का आप टेस्ट देने जाना चाह रहे हैं, चाय जाके टेस्ट किया।